आज हमारे स्टूडियो में मिशन के और बिरहा महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी कहे थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये पाखंड है, मगर हिंदू सभा करने पहुंच गए थे शिकागो में। अच्छा जी, तो इनके बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले तो मैं सादर जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ और अपने श्रोताओं का नमन करता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जी सर, बड़ी ईमानदारी से बाबू हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी, सवाल आपका जो है कि स्वामी विवेकानंद हिंदू सभा में पहुंचे अमेरिका में। जी, अमेरिका के शिकागो शहर, शिकागो शहर में। मैं पढ़ा था, कहीं अभी ध्यान तो मुझे पूरा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा था इस चीज को। ये लगभग 1893 की समय थी। जी, स्वामी विवेकानंद जी पूरा विश्व, जी, जो शिकागो में सम्मेलन था, पूरा विश्व का सम्मेलन था। जी, जितनी पूरे विश्व में धर्म है। जी, तो वहां जब गए और इन्होंने अपना नामकरण करवाया। जी, तो वो कहे कि आपको यहाँ, आप किस समुदाय से आए हैं। जी, तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं हिंदू समुदाय से हूँ। जी, और मैं हिंदुत्व पर बात करूंगा। जी, और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से और कह दे रहा हूँ। जी, खास तौर से ओबीसी समाज के लिए कि कान में पर्दा सही हो तो इस बात को सुन लीजिए कि हिंदू क्या है। जी, जिस पर स्वामी विवेकानंद जी डिबेट करने वहां पहुंचे थे, तो वहां की संस्था ने यह कहा कि आप अगर हिंदू धर्म पर यहां बोलने आए हैं। जी, तो आप पहले हमें वो प्रमाण पत्र दे दें कि आप हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म क्या है। जी, और हिंदू धर्म का आपको प्रमाण पत्र मिला है कि आप हिंदू धर्म की प्रतिनिधित्व बन के यहाँ आए हैं। जी, तो स्वामी विवेकानंद के पास तो था नहीं। जी, तब उन्होंने भारत के शंकराचार्य के यहाँ टेलीग्राम भेजा। जी, अब कौन शंकराचार्य थे ध्यान में नहीं आ रहा है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन अध्ययन किया हूं थोड़ा दिन हो गया। जी, क्योंकि मैं यही सब पढ़ता ही हूं। तो यहां के शंकराचार्य ने जवाब दिया कि तुम हिंदू समुदाय से नहीं हो। जी, तुम शूद्र समुदाय से हो। जी, इसलिए तुमको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। अगर तुम्हारे स्थान पर कोई ब्राह्मण होता, जी, तो उसे हम भेज देते। इसलिए वह हिंदू समुदाय पर तुम्हें बोलने की इजाजत कतई नहीं है। जी, ये जवाब स्वामी विवेकानंद को मिला तो बड़ा उदास हुए स्वामी विवेकानंद जी। और उसी समय उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, ये क्या है। हम अगर हिंदू हैं जी, तो हम
हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? जब हिंदू हैं तो यहाँ सूत्र का मामला कहाँ से खड़ा हो गया? यही समस्या को अब तक ओबीसी समाज हमारा नहीं समझ पाया। हम हिंदू सिर्फ ब्राह्मण के मन मुताबिक गवर्नमेंट बनाने के लिए बने हैं जी, अधिकार और सम्मान लेने के लिए नहीं बने हैं। अब तक ये समाज नहीं समझ पाया और कहता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं जी, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इसलिए कि हिंदू का मतलब ओबीसी समाज के लिए कर रहा हूं जी, एससी एसटी के लिए कर रहा हूं, कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इसका मतलब कि गर्व से कहो कि हम गुलाम हैं। मेरी भाषा ये है, मूल निवासी समाज जो भारत के मूल निवासी 85 लोग हैं, ये हिंदू नहीं है जी, ये शूद्र हैं। ये हिंदू क्यों बनाए गए? जमहूरियत की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, कि इन्हें हिंदू नहीं बनाएंगे तो हमारी बहुमत नहीं बन पाएगी। इसके पीछे एक डिबेट में जी, तोगड़िया जी के बयान को मैंने समाज में भेजा था जी। तोगड़िया जी क्या कर रहे थे कि इसी ओबीसी एससी एसटी में से 15 करोड़ ऐसे खुंखार हिंदू बनाने की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति हिंदुत्व के खिलाफ बात करे उसका कत्ल करने के लिए वो खड़ा हो जाए। तो ये समाज बड़ा भोला समाज है। तो मैं तो बड़े सैद्धांतिक रूप से और शालीनता से समाज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद के यहाँ लेटर जो यहाँ से शंकराचार्य का गया जी, कि तुम हिंदू सभा में नहीं बोल सकते, क्यों? कि तुम शूद्र समाज से हो जी। तो स्वामी विवेकानंद जी बड़ा मायूस हुए कि अब मैं अपनी विद्वता कैसे साबित करूं यहाँ कि मैं भारत से आया हूँ और हिंदू धर्म से हूँ, अब हिंदुओं की बात मैं इसमें कैसे करूं? बड़ा मायूस थे। जी। तो उस समय श्रीलंका के नाम ध्यान में नहीं है जी, वो बौद्धिस्ट थे, क्या नाम था उनका, बड़ा टेढ़ा नाम था, वो बुद्धजम थे, तथागत बुद्ध को मानते थे, और वो गए थे बौद्ध धर्म की ओर से जी, बात कहने के लिए। तो उनको 8 मिनट की समय थी जी, 8 मिनट में उन्होंने पहले ही कहा कि मैं 3 मिनट में बात करता हूं, बाकी 3-4 मिनट की जो समय हमारी बचती है जी, मैं समय अपनी स्वामी विवेकानंद जी को देता हूँ जो भारत से आए हैं जी, मेरे ही इस 4 मिनट में अपनी बात कहेंगे जी। तब स्वामी विवेकानंद जी को समय मिली, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के शंकराचार्यों ने वहां बोलने के लिए उनको समय नहीं दिया जी, परमिशन नहीं भेजा यहाँ से। तब जब स्वामी विवेकानंद जी बोलना शुरू किए जी, बोले तो बहुत कुछ, वो कहे कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती अनारियों का सम्मान करती है जी, जो भी उस धरती पर गया उसका सम्मान करती है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जो उस धरती पर गए वहां के लोगों का वो सम्मान नहीं किए जी। लास्ट चरण में उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक व्यवस्था है, कुछ लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए जी, क्योंकि हिंदुत्व में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, श्रेष्ठ ना श्रेष्ठ, ये सब हिंदू में मिलता है जी। अगर 100 लोग में 100 लोग हिंदू हैं तो उसमें 4 लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, 5 लोग उनसे थोड़ा सा श्रेष्ठ हैं जी, 8 लोग उनसे थोड़ा श्रेष्ठ हैं,
बाकी 80 लोग महागैतन हैं, उनको जूता के नीचे रहने की अनुमति है हिंदू धर्म में जी। तो ये कोई धर्म नहीं है, एक सिस्टम है जी। और ये सिस्टम संकेत करता है, इंगेज करता है कि ये धर्म कुछ समुदाय को गुलाम बनाकर रखने का एक सिस्टम, एक व्यवस्था है जी। तो आपने पूछ दिया, मैं बता दिया जी। मैं तो बराबर पढ़ता रहता हूं, लेकिन यही चीज मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूं कि हिंदुत्व में मत तलाशो अपने आप को जी, मानवता में तलाशो, इंसानियत में तलाशो, भाईचारा में तलाशो, समता समानता में तलाशो जी। कि कहां समता समानता बंधुता भाईचारा है जी। ये जो बार बार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इस देश को मुसलमानों से हिंदुओं पर खतरा है जी। कभी भी इस देश में, मैं बता रहा हूं आपको और पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, कभी भी भारत देश को मुसलमानों से खतरा नहीं रहा, हर समय इस देश को ब्राह्मणों से खतरा रहा। ये ओबीसी एससी एसटी को फर्जी हिंदू बनाए हैं जी, क्योंकि ये जानते हैं कि ये पशुओं से भी बदतर इनका दिमाग है, इनको जो कह देंगे वही ढोना शुरू कर देंगे जी। तो इनको फर्जी हिंदू बना के और टेंपर करते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है जी। ये एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान आपस में लड़ें, ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हम मलाई काटते रहेंगे। इस देश में ना ही कभी मुसलमानों से खतरा रहा है, ना ही कभी मुसलमानों से खतरा है। इस देश में अगर मुसलमानों से खतरा है तो सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खतरा है जी। क्यों? कि इस देश में मुसलमानों ने और दलितों ने कभी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया जी। और ओबीसी समाज पूर्ण रूप से इनके अधीन है। जैसे मुसलमान समुदाय से तो कोई मतलब नहीं है, ये लड़ाएं किससे? इनसे अब नहीं कहना चाहता हूं, बहुत सारी रिश्तेदारियां जो बराबर मुसलमानों को दुश्मन मानने वाले हैं, वो बेटी रोटी का रिश्ता भी किए हैं जी। पूरा देश जानता है कौन कौन से लोग किए हैं, और जिनको दामाद बनाए हैं उनके दामाद भी उनकी रहनुमाई करते हैं, वो भी मुसलमानों का विरोध करते हैं जी। तो भारत देश जातियों का देश नहीं है, बल्कि इंसानियत का देश है, मानवता का देश है, समता का देश है, स्वतंत्रता का देश है। चलिए राजकुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात इतनी सावधानी पूर्वक रखने के लिए। नहीं, बात तो सावधानी पूर्वक रखा हूँ जी, लेकिन थोड़ा बात को बृहद पैमाने पर जी पहुँचाने के आप लोग प्रयास करिए जी सर। और एक चीज और बता दूँ, मीडिया से तो मेरा भरोसा है नहीं जी, लेकिन आपका आदर करता हूँ कि आप बड़ी ईमानदारी से मेरी हर बात को, जिस दिन मेरी एक बात कट गई नहीं सर, आपके चैनल पर आना बंद कर दूंगा, और पूरे चैलेंज के साथ मैं जितनी बात कहता हूँ जी, इसको चैलेंज के साथ कहता हूँ जी। और मेरी बात पर जो देश का सबसे बड़ा विद्वान हो जी एक कलम रखे कि कहाँ भारत को मुसलमानों से खतरा है जी। इस भारत में जब स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, चढ़ बढ़ करके मुसलमानों ने लड़ा है जी, जब जब इस देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही है तो उस समस्या के समाधान में मुसलमानों ने कभी भी अपना पैर पीछे नहीं हटाया है जी। इस देश के साथ मुसलमान सदैव रहे हैं, सदैव कटे मरे हैं। क्यों? मुसलमान तो एक अलग समुदाय हो गई, मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, फलाना ढमका हो गए, लेकिन भारत का जो कल्चर है इंसानियत का है, मुसलमान हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले भारत में सारे लोग
इंसान माने जाते हैं जी। तो जो इंसान है, इंसान का मतलब कि इंसान से प्रेम करे जी। भाई समुदाय का मामला है, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो, ये हिंदू समुदाय से ये करें, ये सिख समुदाय से ये करें, ये क्रिश्चियन से हैं ये करें, वो सबकी अपने अपने विचारधारा है जी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का जी, सारे समुदाय को, सारे समाज को सम्मान और बराबरी का अधिकार प्रदान करता है जी। तो मैं ये चीज अपने समाज को कहना चाहता हूँ, और यही सपना था बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर जी का, और यही सपना लेकर के आपको सबको चलना पड़ेगा, और ये आप तब चल पाएंगे जब पाखंड से बाहर निकलेंगे जी। अध्यात्म से बाहर निकल करके भारत के मूल निवासियों के लिए कर रहा हूँ, और लोगों के लिए नहीं, क्योंकि भारत के मूल निवासी 85% के लोग हैं जी। तो जो मूल निवासी समाज है वो भौतिकवाद बने, भौतिकवादी विचारधारा अपनाए, अध्यात्मवादी विचारधारा न अपनाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादर जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ, जय संविधान, जय भारत।